नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। जबलपुर के गढ़ा इलाके में शुक्रवार की रात रामायण मंदिर के पास एक युवक को कुछ लोगों ने चाकू मार कर घायल कर दिया। वारदात की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित राकेश अहिरवार का चाचा सोनू स्मित निजी बस ऑपरेटर की बस चलाता है। कोरोना संक्रमण काल से बस का संचालन बंद होने से रामायण मंदिर के पास एक खाली स्थान पर बस खड़ी करता है। घटना वाले दिन जिस स्थान पर बस खड़ी की थी उस स्थान को लेकर सोनू स्मित और अमित लखेरा का विवाद हुआ था। वहीं आरोपियों ने सोनू स्मित को वहां से हटा दिया था, जिसको लेकर दोनों में विवाद की स्थिति बन गई थी और आरोपी सोनू को मारने की फिराक में थे, लेकिन सोनू के भतीजे पर आरोपियों ने हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। समस्या ये है कि हम जा रहे थे घर अपने काम से, लौटे थे तो दो तीन लड़के आए जी साथ में, तनुज और जी क्या बोलते हैं दिया बाती हैं। और तो ये हम जा रहे थे घर तो ये लोग आए मारन लगे चक्कू अक्कू, बस ये गाड़ी पे ऐसे चाचा जी हमारे वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते रहते थे, तो आज उनकी गाड़ी वहाँ से किसी ने उठवा दी, मतलब अलग करवा दी वहाँ से। कहाँ की घटना? देवताल। आपका नाम? राकेश अहिरवार। हाँ, रामायण मंदिर के पीछे रहने वाला राकेश अहिरवार लड़का है जो बेलदारी मजदूरी का काम करता है। वो मजदूरी का काम करके अपने घर आ रहा था। रामायण मंदिर के पास मोड़ तालाब के सामने उसका एक मुंह बोला चाचा है सोनू उर्फ राहुल स्मित रावत, जो अपनी बस को चलाता है और बस लाके वहां खड़ा करता है। इस बात पे से कई लोगों को एतराज होता है, जिस पर से कल भी इनका विवाद हुआ था, शायद ऐसा बताया उसने। उसी बात पर से तरुण बाती नाम का मोहल्ले का लड़का राकेश अहिरवार को मिला और गाली गुफ्तार करते हुए उसने उसको जो है चाकू जैसी नुकीली चीज़ से मार दिया, जिस पे अपराध क्रमांक 841 पंजीबद्ध किया जा चुका है, विवेचना की जा रही है। अभी आरोपी फरार है, टीम गई थी उसके यहाँ, आरोपी फरार हो गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।